माय YouTube चैनल, आप देख रहे हो धीरज पब्लिक कॉमेडी। तो गाइस, जैसे कि आपको पता है 28 तारीख को बिग बॉस का फिनाले और वोटिंग ओपनिंग ट्रेंड हमारे पास आ चुकी है। और तो क्या लगा उसमें झटका, बात करेंगे इस वीडियो में। तो भैया 5 लोग कर चुके हैं ग्रैंड फिनाले में एंटर। तो भैया उसमें से एक नाम ना अनएक्सपेक्टेड है, तो वो है अरुण माशेटी। जी हाँ, तो क्या भैया इस नाम के साथ वहाँ पे कुछ चीजें हुई है? क्या इस नाम के साथ वहाँ पे टॉप 2 की पोजीशन चेंज हुई है? क्या बीच में कुछ चीजें बदली है? तो भैया चलो बात करते हैं। तो काफी लोग कह रहे थे, राह भी देख रहे थे कि वीडियो लाओ, ये वीडियो लाओ। तो वीडियो आपके सामने मैंने रख दिया, तो वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए 5 नंबर से शुरुआत करते हैं। वैसे ये वोटिंग ट्रेंड बहुत ही मजेदार रहने वाला है और ये वोटिंग शायद संडे तक, शायद मैंने अभी देखा नहीं है, पर शायद संडे तक ओपन रहेगी। जब तक मतलब ग्रैंड फिनाले स्टार्ट होगा तब तक ये ओपन रहेगी। तो चलिए 5 नंबर की बात बताते हैं कि 5 नंबर पर कौन है। आपको सुनकर ये झटका तो जरूर लगेगा। तो भैया 5 नंबर पे आ रहे हैं वहां पर मनारा चोपड़ा। जी हाँ, चाहे आपको कहीं मिले या ना मिले, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि भैया मनारा चोपड़ा को सबसे कम वोट्स मिल रहे हैं। देखो, जीतने के आसार इनके बहुत ज्यादा है क्योंकि बिग बॉस का सपोर्ट जिस तरीके से इनको मिल रहा है, लेकिन जिस तरीके से वोटिंग ट्रेंड आ रहे हैं, वोटिंग ट्रेंड में तो भैया ये ही दिख रहा है कि मनारा चोपड़ा को सबसे कम वोट्स मिल रहे हैं। तो भैया ये इनके लिए खतरे की घंटी हो सकती है, पर देखते हैं, बिग बॉस का हाथ भी इन्होंने पकड़ा हुआ है, तो भैया देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। तो भाई नंबर 4 की बात की जाए तो नंबर 4 पर ये बंदा है। जी हाँ, अरुण माशेटी, जो भैया हैदराबाद से बिलोंग करता है और हैदराबादी लैंग्वेज बोलता है। तो भैया इनको हैदराबाद से इतने वोट्स आ रहे हैं ना भैया, इतने वोट्स आ रहे हैं, जितने मतलब काफी वोट्स इनको हैदराबाद से मिल रहे हैं। लेकिन लोग कुछ भी कहे, पर जो ये बंदा है ना भैया, जिसके आगे जो चल रही है लड़की, उसको भी क्रॉस करने का ये इतनी हिम्मत रखता है, जिसका नाम है अरुण माशेटी। तो भैया जो अरुण है वो भैया लक की बदौलत तो यहाँ तक पहुंचा नहीं है, उसने भैया अकेले खेला है, किसी ने भी उसे अपने ग्रुप में नहीं लिया, उसे लेकिन अकेले अकेले रखा, लेकिन लोगों ने उसका साथ दिया। और इसी तरीके से हैदराबाद से भाई भारी तादाद में लगातार वोटिंग हो रही है, तो इसी करके उन्होंने मनारा चोपड़ा को भी क्रॉस कर दिया। ये कहीं ना कहीं अरुण के लिए बहुत बड़ी बात है। और इसी शॉकिंग तरीके से अरुण 4th नंबर पर चल रहे हैं, वो भी मनारा को पीछे करके। तो चलिए अब नंबर 3 की बात करते हैं, तो आप खुद देख लीजिए। जी हाँ, वहां पे है अंकिता लोखंडे। वैसे तो अंकिता वैसे पवित्र रिश्ता से फेमस हुई है और इनका नाम भी काफी बड़ा है। और अंकिता के फैंस को सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेके बोल रहे हैं कि भैया हम तो इसे सुशांत की वजह से वोट्स कर रहे हैं, पर ऐसा वहां पे कुछ दिख नहीं रहा है। और जो टॉप 2 के कंटेस्टेंट है उनके तो ये करीब भी नहीं लग रही है जितनी इनकी वोट्स आ रही है। पर देखते हैं, बिग बॉस अंकिता को पुश करने का जरूर प्रयास करेंगे, क्योंकि फिलहाल वैसे भी अभी ओपनिंग वोटिंग ट्रेंड है, अभी हमें बहुत कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि 2-3 दिन अभी वोटिंग ट्रेंड चलेगा तो भैया हमें बहुत उलटफेर देखने को मिल सकता है। पर फिलहाल वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से नंबर 3 पर अंकिता है। तो अब मैं बताना चाहूंगा कि टॉप 2 की कैसी फाइट चल रही है। तो भैया जो टॉप 2 में है, तो भैया जो दूसरे नंबर पे चल रहा है वो है ये बंदा। जी हाँ, अभिषेक कुमार। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब वोटिंग लाइन ओपन हुई थी तो भाई सूत्रों की तरफ से बताया जा रहा है कि ये 2-3 घंटे में ही भैया अभिषेक नंबर 1 पे राज कर रहा था, वो भी मुनार फारूकी को क्रॉस करके। लेकिन रात में ही मुनार फारूकी ने अभिषेक को क्रॉस कर दिया था और नंबर 1 पर जगह स्थान कर ली थी। दोनों के बीच में वोट्स का फासला वैसे बहुत कम है, लेकिन मुनावर के फैंस बोल रहे भैया कि हमारा बंदा बहुत मार्जिन से आ गया, और दूसरी तरफ अभिषेक के फैंस बोल रहे कि भैया हमारा बंदा बहुत मार्जिन से आ गया। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि दोनों के बीच में बहुत तगड़ी फाइट चल रही है, क्योंकि दोनों को ही भैया बहुत भारी तादाद में वोट्स आ रहे हैं। तो आपको पता है ना भैया, अभिषेक को एल्विस के फैंस, तो मतलब आपने देखा होगा कल भी लाइव आके एल्विस ने कमेंट किया था कि भैया जो भी बिग बॉस के घर के अंदर जो भी चीजें चाहिए होती है वो भैया अभिषेक ने दी है, तो इस वजह से हमारा सपोर्ट तो भैया अभिषेक को जा रहा है। तो भैया एक होता है ना कि एक वोट बंच, वो भैया वो बंच अभिषेक को मिल गया है। तो भैया यहाँ कहीं ना कहीं मुनावर के लिए आसान नहीं रहेगा, तो कहीं ना कहीं अभिषेक के लिए भी आसान नहीं रहेगा मुनावर के कल्ट फैंस को देखते हुए। तो भैया इसी तरीके से मतलब जो दूसरे नंबर पे है वो अभिषेक कुमार चल रहे हैं और पहले नंबर पर मुनावर फारूकी। तो आपका क्या है कहना मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। वैसे तो अभी ये शुरुआत है वोटिंग ट्रेंड की, अभी तो मिडिल ऑर्डर भी खेलना है और जो एंड में आके MS धोनी जो छक्के लगाते हैं, यानी कि जो वोटिंग के एक दिन पहले की बात होती है ना भैया, उस दिन भाई बहुत ज्यादा वोट्स पड़ते हैं और उस दिन हमें बहुत बड़ा उलटफेर देखने को भी मिल सकता है। तो भैया इस तरीके से ये सारे वोटिंग ट्रेंड थे आपके सामने जो मैंने आपको बताए।
तो आपका क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, और आप किसको सपोर्ट कर रहे हो वो भी जरूर लिख देना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।